आज प्रतापनगर सांगानेर में भगवा हिंदी फौजी के बैनर के नीचे विशाल कलश यात्रा रथ यात्रा का आयोजन किया गया। भगवा हिंद फौज के संस्थापक हरिओम शर्मा ने बताया कि 500 महिला पुरुष के साथ रथ यात्रा रवाना हुई। उसमें इस रथ को अयोध्या धाम लेकर जाया जाएगा। वहां से श्री राम प्रभु की जोत वापस प्रतापनगर में लाई जाएगी और उसे जोत को घर घर प्रज्वलित कर गौ माता की रक्षा हेतु लोगों के बीच में लाया जाएगा। कलश यात्रा के अंदर लगभग 500 महिलाएं उपस्थित रही। जगह जगह पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया गया व शरबत पिलाकर लोगों ने स्वागत किया। मैं इस समय भगवा हिंद के फौज के संस्थापक श्रीमान हरिओम शर्मा जी के साथ हूँ। आज इन्होंने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है, यहाँ से प्रतापनगर से अयोध्या के लिए रथ यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें 500 महिलाओं का कलश यात्रा व शोभा यात्रा का आयोजन किया। आपका इस कलश यात्रा को लेकर के क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से आपने ये कार्यक्रम किया? जय श्री राम। पहले तो मेरे आराध्य गुरु बालाजी महाराज के आशीर्वाद से और उनके सानिध्य में ये कार्य हो रहा है, जिन्होंने मुझे राम जी का कार्य सौंपा। उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि जो मेरे गुरु हैं उन्होंने पहली बार मुझे ऐसा कार्य सौंपा है जिसको मैं करने का पूरा अथक प्रयास कर रहा हूँ। और मेरा संकल्प यही है कि मैं सनातन के लिए कार्य करूँ और मेरा जो जितना भी जो जीवन शेष है वो सनातन की रक्षा और संस्कृति के लिए कार्य करता रहूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो आज हमारी गौ माताओं को जो काटा जा रहा है, हर जगह काटा जा रहा है, परंतु उसके लिए मैं एक चाहता हूँ कि हमारी सनातन संस्कृति को जिंदा रखने के लिए गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें। और हम ये चाह रहे हैं कि धीरे धीरे इस मुहिम से प्रत्येक घर को जोड़ा जाए और एक हम राम ज्योति की राम ज्योति का जो कार्यभार लेना चाह रहे हैं, जिससे कि हम घर घर में अखंड ज्योति कम से कम 24 घंटे की अखंड ज्योति हम प्रत्येक घर में स्थापित कर सकें। बस राम जी के कार्य में लगे हुए हैं, प्रभु आगे क्या करवाते हैं वो उनके घर में छुपा हुआ है कि वो आगे कैसे क्या दिशा निर्देश देते हैं, उनके दिशा निर्देश पर हम चलते हैं। क्या मैं जो ये कह रही है महिला है कि आप क्या यहाँ से अयोध्या भी जाएंगे? जी हाँ बिल्कुल, हम अयोध्या यहाँ से कल हमारा जो रथ है अयोध्या के लिए रवाना होगा 7 तारीख को 7 अप्रैल को। उसके बाद 4 बसें 11 तारीख को रवाना होंगी, जिसमें राम भक्त अयोध्या यात्रा के लिए यहाँ से रवाना होंगे। वहाँ पर रथ के साथ सब सम्मिलित होंगे अयोध्या में और एक साथ ही 12 अप्रैल को रामलला के दर्शन मिलकर सब लोग करेंगे। और हमारा जो उद्देश्य है इस यात्रा का वो सनातन धर्म को और ढंग से स्थापित करना है। हमारी जो नई पीढ़ी है जो पाश्चात्य संस्कृति के आगोश में लगातार समाती जा रही है, उस हमारी संस्कृति को भूलती जा रही है, तो हमारी संस्कृति को नई पीढ़ी में स्थापित करना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। जय श्री राम।